तो देखो स्टार्ट करिया आज देखिए हमें फाइल जाबा नोटपैड रो फाइल मेन्यू रे कौन काम होई परियो तो फर्स्ट फाइल रे रहिछि न्यू विंडो ओपन सेव सेव एज पेज सेटअप प्रिंट आउ एग्जिट तो आगे हमें कौन करबा जेतु एबे गोटे न्यू फाइल ओपन करिछे न्यू नोटपैड फाइल ओपन करिछे तो सेठी हमें कौन करिया फाइल टाक आगो सेव करिया ठीक अच्छे जदि किसी प्रॉब्लम हम मत कह तो फाइल सेव कला बेले ये नोटपैड को सेव कला बेले तो आम कौन करे प्रथम तो तार लोकेशन देखा कौटी से फाइलटा सेव होपरे लिखाई देख एड्रेस बार में कंप्यूटर ई ड्राइव लोकाल डिस्क ई तो मैंने लोकाल डिस्क ई रे कौन सी फोल्डर रे बा डायरेक्ट लोकल डिस्क रे हमें इटा को ए फाइल टी को सेव करू छी ठीक अछि तले एबे हमें कोन करबा तो डायरेक्ट सेव करबा न नचत आ गोटे फोल्डर नबा गोटे फोल्डर मो नेली न्यू फोल्डर एटी क्रिएट न्यू फोल्डर ऑप्शन देखैला तो बस मैं एटी लिखिले प्रैक्टिस ला प्रैक्टिस लिखिकी एंटर कली ये देखिए टीएक्सटी फाइल नेम लिखली न्यू नोट है तो देखो फाइल नेम ने मुठी देली तापर ये देखिए सेव एज टाइप टा डिफॉल्ट रे सेतिरे दिया जाय छे आगरु जेहेतु एटा गोटे नोटपैड एप्लीकेशन से तार फॉर्मेट रहउछि कौन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आर एक्सटेंशन कौन रहा .txt तो एक्सटेंशन कौन एक्चुअली एक्सटेंशन क्या कह जाए प्रति फाइल रो गोटे एक्सटेंशन थाए जो भी एप्लीकेशन रे तुम काम करो नोटपैड करो वर्डपैड करो वर्ड करो से जो फाइलटा क्रिएट हो फाइल नेम रे गोटे एक्सटेंशन थाए जमी आमर नॉर्मली आमर ना सहित गोटे आमर टाइटल रोचा सेमती फाइल सहित तार गोटे एक्सटेंशन र तो एक्सटेंशन थ्रू आम जापर कौन ना ये फाइलटा कौ टाइप रो फाइल तो जेहेतु ये गोटे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बा टेक्स्ट पैड से एक्सटेंशन रही है TXT तार गोटे कोड रखाई TXT .txt तेल फाइल नेम पूरा नाटा कौन हम न्यू नोट .txt ठीक अच्छे तो मुझे यू सेव कली फाइल सेव है फाइल सेव हेला परे पूरा टॉप रे देखो एडिट टाइटल बार रे आसी गला न्यू नोट फाइल रो नाटा एबे सेव हे गला हला बुझी पार छो मते रिप्लाई दबो मझे मझे रे यस सर बुझे हो जी हां तबे देखो फाइल सेव कला परे पुनी सेव एज रो कोन काम होछ गोटे होछि सेव आ गोटे होछि सेव एज मन कर मो आगरु एबे देख फाइल को गोटे लाइन लेखी की सेव कर दे थी तापर मो आउ थरे एबे आउ किछि नुवा लाइन एठी लेखु छी हला तो प्रथम ये जो प्रथम लाइन टा लिखा है यहाँ फाइल सहित सेव हो जाए किंतु वर्तमान द्वितीय लाइन टी जो लिखागला यहाँ फाइल सहित सेव ही नहीं तो आपको सेव करने आम पुणी आउ थे खाली सेव को ही नवा वर्तमान से सेव हो गला यदि सेव न करके मो फाइल टी क्लोज करने चेस्ट कर ऑप्शन कि फाइल सेव करके क्लोज कर सैटा केमती हुए देख मुझे लिखिली थर्ड लाइन को मुझे सेव करनी थर्ड लाइन को सेव न करके फाइल को क्लोज तो मत ये सांगसांग आसला नोटिस डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू फाइल नेम जो रही ई प्रैक्टिस न्यू नोट .txt मैंने ये जो चेंज है सेव करवा ना करवानी
चेंजटा एबे कौन होइतला ना ई जो थर्ड लाइनटा लिखा होइतला बुझला तो बर्तमान जदि मु एटा सेव एडि क्लिक कर देबी थर्ड लाइनटा सेव हे कि फाइल क्लोज हबो जदि मु फाइल टा को डोंट सेव करली सेव करलिनी ताले देखो एडि फाइल सेव डोंट सेव कर देली फाइल करलिनी नेलिनी ताले एबे फाइल टा को चेक करबा ओपन करबा से फाइल टी को ई ड्राइव रे प्रैक्टिस फोल्डर रे देखो थर्ड लाइन जो मु लिखी थी से अच्छी की अच्छी की नो सर नहीं काहे की ना मु सेटा सेव करि नथिली बुझि पालो सेव रो काम एक्चुअली कोन खाली सेव सेव आज मु कहि नि एबे सेव आज आपर कहबी जानि पालो सेव रो काण काम हला तबे सेव आज सर कौन हो जी हेलो ये सर हमें कहलो बुझेला हां तो देखो सेव आज रो कौन काम ये फाइल को हमें ऑलरेडी सेव कर दे छे कोठी ना ई ड्राइव रो प्रैक्टिस फोल्डर रे यदि सेही फाइल को मु आउट रे सेही फोल्डर रे सेम फोल्डर रे सेव करिया को चाहौ छी ताले कोन हो फाइल सेव हे पारिबो कि निजे टिके चिंता करो फाइल सेव हे पारिबो कि हबनी काई के हबनी देखो मु सेव करू छी एडे लेखिला कोन ना न्यू नोट डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी एग्जिस्ट माने एठी ऑलरेडी एई नारे गोटे फाइल रही जाई छी Do you want to replace it? हमें जब एटा को रिप्लेस करिया को चाहिबा ताले एबे कोन होबो से फाइल टा कटी की एटा नुवा फाइल टा ऐड होबो सेई नारे ता भीतर टेक्स्ट टा जहा भी थाउ आ गुटे नुवा फाइल एठी ऐड हे परियो तो जदी हमें एटा करिया को चाहू ने रिप्लेस करिया को चाहू ने ताले हमें को करिया नो कर दवा ताले एबे हमें को करिया सेई नारे तो से फाइल टी को नेलानी ताले फाइल नेम टी को किछि मात्र कौनसी ना कौनसी प्रकार आमको चेंज करा पड़ो तो सपोज मुझे फाइल नेम टाक न्यू नोट वन करदे वन करके सेव कली फाइल सेव हो गला देख तब मोर फाइल नेम कौन आसला न्यू नोट वन आसला तो ये सीना आम न्यू नोट वन काम करवा से न्यू नोट जो फाइलटा होता अच्छी ना ना तो देख तार लोकेशन को जी देख न्यू नोट गोटे न्यू नोट वन गोटे ताले कौन है फाइनल कौन आम जाने ना सेव आज करवा द्वारा आम से फाइल आउ गोटे कॉपी पाई हला बुझिपाल तो से फाइल कॉपी जोटा पाइबा से आम कौ लोकेशन रखा सेम लोकेशन रखा नचे अदर लोकेशन रखा हला जदि अदर लोकेशन रखा तो सेम ना रखिपर देख मुझे अदर लोकेशन चेंज करव आज कली मो लोकेशन टा चेंज करके प्राक्टिस न देखिए फाइल टी को सपोज रूपाली फोल्डर रे दे देली हला तो न्यू नोट वन से फाइल नेम अच्छी सेव कर करदे आ मत कहला कि ऑलरेडी एग्जिस्ट बोली कहीं कहीं ना मु तार फोल्डर टा चेंज कली तार लोकेशन टा चेंज कर करदे से मत फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट बोली से कहलानी तो सेम फाइल टी को सेम ना आउ गोटे अदर लोकेशन रे सेव करदे किंतु सेम लोकेशन रे सेम ना सेव करहब ना कहीं करहबना टे लॉजिक टे चिंता करो तुम्हें केवे देखीच कि कौन सी घरे गोटे ना दीटा पिला थे कौन सी जगह के देखीच सर नो रिप्लाई नो ठीक है हला सेव सेव आज क्लियर बुझेगा तो सेव कर देला परे आमे बे न्यू फाइल को ओपन करिया पुणी तो न्यू फाइल ओपन करिया गले आउ गोटे न्यू बिल्कुल भी किसी काम होइनी अनटाइटल नोट पैड बा न्यू फाइल पुणी मुठी ओपन करि पारु हला पुणी आउ गोटे न्यू विंडो जदि ओपन करिया चाहंती एटी गोटे ऑप्शन अछि सेही अनटाइटल नोट पैड रे आउ गोटे विंडो भी ओपन हबो हला से गोटे आउ गोटे अदर गोटे दुटा फाइल एवं ओपन होगा देख गोटे बैक रे अच्छी इनआक्टिव अच्छी गोटे आक्टिव अच्छी जोटा आगे अच्छी है तो सीटा होती न्यू विंडो ऑप्शन में आम ना आसला ओपन
फाइल को आम ओपन केमी कर देख ये से फाइल को जो फाइल आम कम कर सिलेक्ट कली तार लोकेशन में जाकि सिलेक्ट कला ओपन करदेली फाइल ओपन हो गला है जान पाल तो ये है न्यू विंडो आउ ओपन राम तापर आसला पेज सेटअप एटा बहुत इंपोर्टेंट हाँ कह न्यू विंडो रो कौन काम कहि जे हमें सुनि पालु नी नेट के कटि गला हां न्यू विंडो रे खाली सेही फाइल रो मन करो एट देखो एट मो न्यू विंडो करू छी ए फाइल रे ना कोन छी न्यू नोट 1 तो न्यू विंडो कले कोन हला अनटाइटल हे गला माने न्यू फाइल तो ओपन हला किंतु आउ गुटे विंडो रे ओपन हला जदि मो खाली सेठी न्यू कर दे थांती एटी जब न्यू करदेव तेल से विंडो रे गोटे न्यू फाइल ओपन हे न्यू विंडो कहले न्यू फाइल ओपन हम आउ गोटे विंडो रे ओपन हम बुझेगा बुझेगा तो आज्ञा सर सर आउ गोटे डाउट ला हां को सर एठी जंदे न्यू विंडो ऑन करकी आमे गोटे फोटो धर इंसर्ट करले तो सेईटा को डायरेक्टली आर विंडो को कॉपी करि हबो हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किंतु नोटपैड रे फोटो इनसर्ट करी हुए नहीं तुम तो फर्स्ट क्लास रे नथिलो मु कहिसिले नोटपैड रे फोटो इनसर्ट हबनी वर्ड पैड रे तुम फोटो इनसर्ट कर पारिबो नोटपैड रे फोटो इनसर्ट हबनी नोटपैड होची बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम नॉर्मली खाली लेटर आ सिंबल नंबर ए सब रे तुम खाली एडिटिंग करिवो हला टेबल आज्ञा सर पिक्चर आ कोनो से ऑब्जेक्ट एथरे इंसर्ट होबाने हां को सर हमें एडा वर्डपैड रे कले हिजबो हां वर्डपैड रे कले हिजबो हमें त आ परे वर्डपैड पढिबा से तळे ट्राई करिया हला आज्ञा सर तळे देख एबे आमे जीवा पेज सेटअप बा प्रिंट हला प्रिंट करबा अगुरु फाइनली पेज को सेटअप करा जायते देखो तो एटे छोटो विंडो आसीला पेज सेटअप ओते ऊपर लिखा है पेज सेटअप रे ए राइट साइड को देखो एटी ओटे छोटो बॉक्स देखै छी एटा होची प्रीव्यू माने एटा होची तुम पेज रो ओटे सैंपल जो पेज ता तुम प्रिंट करू छ तार ओटे सैंपल एटी तुमको शो करू छ हला तो एबे लेफ्ट साइड रे देखो साइज पेपर साइज आम लिखी पेपर साइज एटी दे ए फोर नॉर्मली आम जो पेपर रे काम करूचु प्रिंट करूचु जोड़ा कि जेरोक्स भी कर बेस यूज होगुड़ सब ए फोर साइज रो पेपर पेपर रो साइज रो ना हो तार ए फोर आर भी विभिन्न प्रकार पेज पेपर अच्छी ए फाइव अच्छी ए सिक्स अच्छी तो ना अनुसार तार साइज बड़ छोट आसे साइज कले कौन लेंथ आउ विड्थ एथेरे टिके कौती विड्थ अधिक रोटे लेंथ अधिक रो से अनुसार तुम्हें ये सिलेक्ट कर तुम कौ पेपर रे प्रिंट करवाक चाहूँ जो पेपर रे प्रिंट करवा चाहू से सिलेक्ट कर तो मुझे डिफल्ट्रे ए फोर नहीं ठीक अच्छे तापर गोटे सोर्स दे सोर्स कहले आम प्रिंटर रे पेपरटा कौटू से रिसीव करूटा हूँ तार सोर्स तो सोर्स आम अटो सिलेक्ट करटोमेटिक से सिलेक्ट करके नहींजी नेक्स्ट आसला ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन रे कौन रोचे ना पोर्ट्रेट आउ लैंडस्केप ओरिएंटेशन माने पेपर टी को जमी लंबारे आम जब एम देखुचे देख माउस पॉइंटर ये डाण पटे देखा तो यहाँ है पोर्ट्रेट आम लैंडस्केप कले से कहते बुली जा बुझिपार जापार जब तुम गोटे लंबा किसी टेबुल तो एथेरे हेनी मैंने लंबा लाइन गोटे बड़ लाइन अच्छी जोटा कि पोर्ट्रेट रे स्पेस हो जगह हो तुम लैंडस्केप नहीं कि गोटे लंबा लाइन लिखिपर एमती है तो से भी प्रिंट कर पोर्ट्रेट रे काम कले लैंडस्केप करी प्रिंट भी करपर नेक्स्ट एपटे रहा मार्जिन मार्जिन इन मिलीमीटर्स मार्जिन मिलीमीटर्स मार्जिन कहले किए जो पेपर रे आम प्रिंट करवा चाहूचे से पेपर साइड रु पूरा लाइन रु केते छाड़ी की आमर प्रिंट हम केते स्पेस छाड़ी की जमी आम कागज लिखला बेले गोटे मार्जिन छाड़ दबू तो सेमती केते मार्जिन छाड़ी की प्रिंट हम तो सेटा लेफ्ट रे भी अच्छी राइट रे अच्छी त
टॉप रे अच्छे और बॉटम रे भी अच्छे सब पट रे अच्छे तबे लेफ्ट टू 25 राइट टू 25 टॉप टू 25 बॉटम टू 25 सब रे अच्छे हला तो जदी मु एटा को चेंज कर छु मार्क कर एट देखो 10 लेफ्ट रो एटा 10 स्पेस नला हला मार्जिन 10 रो ऑप्शन अच्छे दी लागी गला पाखा बाकी से मैं कमे दिला को लागी जाउ छी जदी मैं एटा 0 कर दे से पूरा लागी जियो हला सेंते राइट रे भी सेंते हबो टॉप टॉप रे भी सेंते हबो बॉटम रे भी सेंते हबो बुझेला तो एबे देखो एटी गोटे ऑप्शन रहला हेडर और फुटर हेडर फुटर रो कोन काम अछि हां एंड दियाबो तो हेडर फुटर रो कोन काम अछि हेडर हमें नॉर्मली कुठी नै थाउ ना पेज रो टॉप रे हेडर नै थाउ आ पेज रो बॉटम रे तळे सेटा होची फुटर हला तो एठी हमकु किछि सिंबल दवा पड़िबो एठी मोटे सिंबल दे परबी एंड पी एंड सिंबल नंबर एंड पी पी कहले पेज नंबर तमरो सेटी प्रिंट हबो कोडी पे जोडी जो पेजटा तमे प्रिंट करूछो पेज रो नंबरटा प्रिंट हबो टॉप रे हेडर रे फुटर रे जदी आमे करबा एंड एफ ताले फाइल नेमटा प्रिंट हबो हला तार सिंबल अछि तमे हेल्प रु देखि के जानि परबो म देखै दोस देखो एटी हेल्प रे व्यू हेल्प एडी नेबो एटा मे ऑनलाइन अछि बोली डायरेक्ट एठि के नै जाउ छी ऑनलाइन ने भी देखी पाया एटी अच्छी देखियो एटी गोटे लिखी एंड एल लाइन लेफ्ट अलाइनमेंट करने हला तुम से देख से मिल जाव तुमको सही हेल्प रे खाली ये सर्च कर एटा ऑनलाइन में बहुत खोजा पड़ो सही हेल्प रे व्यू हेल्प देख व्यू हेल्प देख लापर जो ऑप्शन ओपन हम से खाली लिख ना हेडर हला हेडर लिख तुम शो कर कौ कौ ऑप्शन रे हेडर आम दे पार कौन कौन सब ऑप्शन दे पार है हाँ प्रिंट हो पार बुझेगा बर्तमान पेज सेटअप हो गला पेज सेटअप पेज सेटअप होगापर आम प्रिंट करिया देल जनरल हला मु सार दे जल्दी तो देखो ये जनरल ऑप्शन रे फास्ट कहला सिलेक्ट प्रिंटर कौटी तुम प्रिंटर नेमटा सिलेक्ट करापर तुम प्रिंटर जब अन् थे ये स्टाटस ऑनलाइन बा रेडी तुमको देखेब ये आम प्रिंटर कनेक्ट ना से ऑफलाइन देखा ठीक अच्छे तापर ये डायरेक्ट आसल नंबर ऑफ कॉपीज ये जो रेंज ऑप्शन गुड़ाक नोटपैड रे किसी भी काम कर कहीं आम नोटपैड रे जाणी न था के पेज आम टाइप करा से डिफल्ट तार पेजिंग सिस्टम करके तार केते पेज से नहीं जीव तो तुमको खाली ये करार अच्छे कौन कॉपी करार अच्छे तुम्हें केते कॉपी चाहूँ गोटे फाइल को गोटे फाइल रतटा कॉपी चाहूँ है तो जदि मो नंबर ऑफ 3 कॉपीज कली कोलेक्ट अनकोलेक्ट करी जो कॉपीटा आम देले
ହେଲା, ମନେକର ତିନିଟା ପେଜ୍ ଅଛି, ତିନିଟା ପେଜ୍ରେ ଆମେ ତିନିଟା କପି ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖ, 1 1 2 2 3 3 ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି, କୋଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି, ସେ କ'ଣ ହେବ? 1 2 3 1 2 3 ଆମେ ତିନିଟା କପି ଦେଇଛେ, ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 1 2 3 ତିନି ଥର 1 2 3 1 2 3 କରିକି ସବୁ ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ସେ। ଯଦି ଅନ୍କୋଲେକ୍ଟ କଲ ତାହେଲେ 1 ର 3ଟା 2 ର 3ଟା ଆଉ 3 ର 3ଟା ଏତିକି ଅପସନ୍ରେ ସେ କରିବ, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ତୁମେ କଲ ଏଠି ଚେକ୍ ଯାହା କଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏତିକି କଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିଲା, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇଲ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଅପସନ୍, ଆମେ ଏଠି ଫାଇଲ୍ ଖାଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜିଟ୍ କଲେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ବୁଝିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏଠୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟେକ୍ସଟ ଏଡିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଜାଣିବା, ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ର ୟୁଜ୍ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆମେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏଠି ଦେଖିଲେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କାହିଁକି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ର ଅପସନ୍ ଆମକୁ ଦେଲା? ନା ଯଦି ତୁମ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ୱାର୍ଡ଼ କାମ କରୁନି ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇନି, ତାହେଲେ ଆମେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାମ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା, ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ାକ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏଡିଟର୍ କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ତିଆରି କଲାବେଳେ, ହେଲା, କି କୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଗୋଟେ ଏଡିଟର୍ ହିସାବରେ ନେଇଥାଉ, ଆଉ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍କୁ ଏଡିଟର୍ ହିସାବରେ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ତା'ର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେଭ୍ କରିକି ସେ ଫାଇଲ୍ଟାରେ କାମ କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ସେ ଫାଇଲ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ, ଏଇଟା ତମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପଢା ହେଲା ବେଳେ କୁହାହବ, ଏବେ ଖାଲି ଜାଣିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ HTML ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାମ କଲି, ହେଲା, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି HTMLର କୋଡ଼, ଦେଖିପାରୁଛ ଟି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। HTMLର କୋଡ଼ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ସେଇଟାକୁ ରଖିଛି, ତ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ସେଭ୍ କରିବି, ସେଭ୍ କଲାବେଳେ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଦେବି ନ୍ୟୁ, ଆଉ TXTରେ ସେଭ୍ କରିବିନି, ଦେଖ ଏଠି ମାର୍କର TXTରେ ସେଭ୍ ନ କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା HTMLରେ ସେଭ୍ କରିବି, ହେଲା। HTMLରେ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ସେଭ୍ କଲି, କେଉଁଠି ସେଭ୍ କରୁଛି ଦେଖିବ, ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବ, ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୂପାଲି ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ମୁଁ ସେଭ୍ କରୁଛି, ସେଭ୍ କଲି, ହେଲା, ଫାଇଲ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲି। କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ସେଭ୍ କଲେ ହବନି? ହଁ, ଯେକୌଣସି ନାଁରେ ସେଭ୍ କରେ, ଏନିଥିଙ୍ଗ, ତମେ ନାଁ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବ, ତାର ବି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲାବେଳେ କେଉଁ ନାଁରେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଥାଉ, ହେଲା, କହୁଛି ଫାଇଲ୍ ନେଲାବେଳେ ତମେ କେତେଗୁଡ଼ା ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଦେଇପାରିବନି, କ'ଣ ବ୍ରାକେଟ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ରେ ଦେଇପାରିବନି, ବାକି ତମେ ଯେକୌଣସି ଲେଟର୍ ଆଉ ସିମ୍ବଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇପାରିବ, ହେଲା, ଯାହା ବି ଦେଇପାର, ସେମିତି କିଛି ମନେ ନାହିଁ।
तबे देखो एडी फाइल एटा देखो न्यू बोली गोटे फाइल है जी अब एटा गोटे कौन एटा को मैं गूगल क्रोम रे ओपन करी देखो एटा माय फास्ट हेडिंग जो लिखा है इतना कोड टा से कोड अनुसार एटा से एग्जीक्यूट कला माय फास्ट हेडिंग माय फास्ट पैराग्राफ एमती काम कला एटा एचटीएमएल ले काम करा तो मो कहार उद्देश्य होला कि आम नोटपैड रे एचटीएमएल काम बेले हमरो नोटपैड भी यूज हो पारिबो जानवेल तो खाली खाली तो प्रिंटिंग पाई कि बा डॉक्यूमेंट करया पाई नोटपैड एते यूज होबनी कैन हमको वर्ड दरकार अधिक फीचर दरकार हमें पिक्चर नबा टेबल नबा विभिन्न प्रकार आइटम्स नबा तो सेतबेले दरकार होबनी तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखिया पाई आउ कोनोसी एचटीएमएल टाइप रो किछि यदि प्रोग्रामिंग करूचो ताले नोटपैड रो यूज हे पारियो बुझेला हां सर आपण जो माने नोटपैड रो यूजफुलनेस जो फास्ट पॉइंट कहिले सेटा आउतर कोन त माने कोन पाई कि एटा वर्ड बदल रे एटा में यूज करिवा एटा गोटे बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम मने करो तमो सिस्टम रे वर्ड नाही नॉर्मली हमरो वर्ड ता जो वर्ड एप्लीकेशन ता सेटा हमको परे इंस्टॉल करिया पड़े किंतु नोटपैड आ वर्ड पैड हमको तमरो ऑपरेटिंग सहित मिली थाए कने एटा एक्सेसरीज रे हमें पाउचे आको मूल हमें कोड ओपन करचे देखिबो तमे जो फाइल टैब जो स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज भीतर हमें नोटपैड वर्ड पैड पाउचे किंतु वर्ड ता वर्ड एप्लीकेशन ना हमें कोड पाउचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रे पाउचे आ गया सर पाउचे बुझ पाइलो त तो सेट पे के एउटा सब डिफॉल्ट प्रोग्राम तुम ओएस रो ओएस सहित एउटा को थाए हला तो यदि तुम सिस्टम रे वर्ड नै तुम तो वर्ड पैड यूज कर पेरियो न नोट पैड यूज कर पेरियो बुझिला सर हला आउ अदर काम जेंदि कहली एचटीएमएल ले काम कला हले तुम नोट पैड रे एडिटिंग कर पेरियो दा हला बुझिला तो क्लियर हेलो मले क्लियर हेलो दी आ गया सर अछु से टिके कनेक्शन फोन प्रॉब्लम है हां ठीक है सुनो अब 5 मिनट ब्रेक दो छी आ गोटे कनेक्शन कर कि म तुमको आउ थरी वर्ड पैड भी आज पढ़े देबी टाइम होबो तो हेलो आ गया सर आउ थरे वर्ड पे आ गोटे कनेक्ट करू छी ये भी पढ़ दवा वर्ड पैड टा भी पढ़ दवा।